हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो जो आज का मेरा व्लॉग है वो होने वाला है स्पेंड अ डे विद मी। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ, दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ। और सबसे पहले जा रहे हैं हम ज्वेलरी शॉप, तो चलो देखते हैं कुछ पसंद आया तो। बहुत ज्यादा टाइम लग गया हमको शॉप पे, क्योंकि मिली नहीं रही थी कुछ चीज़। और दूसरी बार डायमंड तो इतना एक्सपेंसिव हो गया है, मतलब कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ ली हमने और अब जा रहे हैं हम दूसरी ज्वेलरी शॉप पे, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। ज्वेलरी से पहले मैंने सोचा जीन्स ले लेती हूँ, तो ये कुछ जीन्स ट्राई की मैंने, आप देख सकते हो। बताना कौन सा अच्छा लग रहा है, अभी नेक्स्ट भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा फ्लेयर था, तो मेरे पास ऐसा जीन्स पड़ा हुआ है ऑलरेडी, फिर मैंने ऐसे किया कि पहले वाला जीन्स ले लिया। फिर भी आप ज़रूर बताना आपका फेवरेट कौन सा लगा आपको, मतलब आपको कौन सा अच्छा लगा। फिर गए हम वेस्ट साइड। वेस्ट साइड और बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें मिली नहीं, क्योंकि जब भी हम यहाँ आते हैं वही सेम चीज़ मिलती है। तो कुछ मैंने एथनिक वेयर्स ट्राई किए थे पर उसकी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, एंड एज अ प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगा मुझे, क्योंकि इतना वैसे होना नहीं चाहिए। अगर हम बाहर से सूट लेके स्टिच करवाते हैं तो इससे मतलब नॉर्मल ही पड़ता है। और अब हम जा रहे हैं तनिष्क में ज्वेलरी देखने, तो चलिए फिर। बहुत ज़्यादा भूख, बालों की हालत तो देखो आप। तो हम जा रहे हैं एक कॉफ़ी लॉज में। हालत तो देखो कितनी खराब हो गई हमारी, एक तो बरसात का मौसम है, ऊपर से बाल भी बहुत फ्रिजी हो गए मेरे, और
वेस्ट साइड से हम गए मडैम में, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। आई डोंट नो कॉलेज टाइम में हमें क्यों पसंद था इतना मडैम। लंच, और वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लंच आने में। और तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बाहर का व्यू। तो फाइनली हमारा लंच आ गया। हमने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो हमने ऑर्डर किया ये ग्रीन सैलेड, और फिर थोड़ा जंक तो बनता ही है। फिर हमने ऑर्डर किया ये पिज़्ज़ा, मार्गरिटा पिज़्ज़ा है ये, एंड अभी आएगी हमारी कोल्ड कॉफ़ी। लंच हो गया एंड इट वॉज सो डिलीशियस एंड यम एंड हेल्दी भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। अगर आप यहाँ पे सोलन विज़िट करोगे तो कॉफ़ी लॉज में ज़रूर आना। ये अपोजिट जो डीसी ऑफिस है, ओल्ड डीसी ऑफिस, उसके अपोजिट है। अगर आपको पता नहीं हो तो ज़रूर ज़रूर आना, और ग्रीन सैलेड एंड मार्गरेटा पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। कोल्ड कॉफ़ी में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा लगा, बट आप उसको अल्ट्रेशन करवा सकते हो, आप बोल सकते हो किस तरह का आपको कॉफ़ी चाहिए। तो चलिए अब हम जा रहे हैं तनिष्क में, देखते हैं अगर वहाँ पे हमको कुछ मिला तो। चलिए फिर ये वाला जो नेक पीस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना सुंदर एलिगेंट जिसको बोलते हैं, हर कुछ ही प्यारा था ये। बट इस समय ये आउट ऑफ बजट था, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। मे बी कुछ सालों में मैं इसको ले लूँ, बट ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, और भी मैं आगे कुछ ट्राई करूँगी। तो आपने भी ज़रूर बताना कि किस कौन सा वाला आपको ज़्यादा पसंद आया, और सजेशन दे देना मुझे। वैसे बहुत सारे सजेशंस मांग रही हूँ मैं, कभी इसमें कभी उसमें, बट इस वाले में ज़रूर देना आपने कि कौन सी लूँ मैं।
बहुत टाइम हो गए हमें मार्केट में, सुबह 10 बजे के निकले हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 5 और हमारी अत्ती हो गई थी और सबसे ज़्यादा तो हम ज्वेलरी शॉप में हमने टाइम लगाया। एंड मैं आपको, आपने ऑलरेडी देख लिया होना कि क्या क्या मैंने चेक किया, मुझे क्या क्या पसंद आया, बट इट वॉज आउट ऑफ माई बजट। बट आई एम प्लानिंग कि थोड़े बहुत मैं सेविंग कर लूँ और उन चीज़ों को ख़रीद पाऊँ। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी मुझे लेनी चाहिए। उसके बाद मैं गई एक फेस योगा कैंप में जो मेरी सिस्टर इन लॉ रन करती है सोलन में। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी कर लेते हैं अपनी बॉडी के लिए भी, और फिर मैंने ये कैंप वहाँ पे ज्वाइन किया। एंड अगर आप भी योगा वगैरह करना चाहते हो, फेस योगा ही नहीं बल्कि दूसरे योगा भी कराते हैं ये, तो इनका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप सोलन में रहते हैं तो ज़रूर 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 जाइएगा। हम आ गए वापस, 8 बज गए हैं, मतलब पूरा दिन लगा दिया हमने मार्केट में। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और आप ये भी बताना मुझे कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए। बाय।